हेलो डियर स्टूडेंट्स, आइए आज हम वन मार्क क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं और इन्हीं के थ्रू आप देखिए हमारे कॉन्सेप्ट्स कैसे क्लियर होते जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज सर्वांगसम आकृतियां डैश होती हैं, कॉन्ग्रेंट फिगर्स आर, तो आपको पता है बिल्कुल इक्वल होती है, एक जैसी होती है, सो द करेक्ट आंसर इज वन। सेकेंड, चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग सम ऑफ इंटरनल एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360। निम्न में से कौन सर्वांगसमता का नियम नहीं है, विच वन इज नॉट ए कॉन्ग्रुएंसी रूल, ट्रिपल एस, ए एस एस, ए ए ए एंड एस ए एस। तो बेटा हम सबसे पहले एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि कौन कौन से नियम हैं और कौन से नहीं हैं। कॉन्ग्रुएंसी रूल्स, तो देखिए सबसे पहले आता है एस एस एस, देन एस ए एस, दो भुजा और उनके बीच का बना कोण, फिर ए एस ए, देन आर एच एस, समकोण कर्ण भुजा, या हमारे पास हम इसे एक और भी कर सकते हैं ए ए एस। ठीक है, अब हम लिखते हैं कौन कौन से नहीं है, नॉट ए कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो देखिए बहुत ध्यान रखना है आपको कौन कौन से नहीं है बेटा। एक तो ट्रिपल ए, भुज कोण कोण कोण, अगर कोण 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 नियम लग रहा है तो हम ये नहीं कह सकते कि दोनों त्रिभुज हमेशा सर्वांगसम होंगे। दूसरा नियम कौन सा है ऐसा, जब हम श्योरिटी से नहीं कह सकते, ए ट्रिपल एस, ए ए डबल एस एस, ठीक है, और एक और है एस एस ए, एस एस ए। तो ये तीन नियम ऐसे हैं जिन पर हम श्योरिटी से नहीं कह सकते कि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे या नहीं। तो यहाँ पे हमारा आंसर कौन सा है करेक्ट, जो नियम नहीं है, सो सेकंड एंड थर्ड। नेक्स्ट देखिए, त्रिभुज ए बी सी में बी सी इक्वल टू ए बी एंड बी इज 80, फाइंड ए। तो हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं पहले इसकी। एक हमारे को ट्रायंगल दिया हुआ है जिसमें दो भुजाएं बराबर हैं, बी सी इज इक्वल टू ए बी। तो बेटा इक्वल होने से इनके जो अपोजिट एंगल्स हैं वो भी आपस में इक्वल हो जाएंगे, और एक साथ में चीज़ दी हुई है एंगल बी इज 80। तो हम लिख लेते हैं पहले ए बी इज इक्वल टू बी सी, दैट मीन्स ए बी के सामने कौन सा कोण होगा जिसका नाम इसमें नहीं आ रहा, सी, और बी सी के सामने कौन सा कोण होगा जो इसमें नहीं आ रहा, ए। यहाँ आप रीजन लिखोगे एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, या समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, एक और चीज़ हमें दे रखी है एंगल बी इज 80, दैट मीन्स ए प्लस सी दोनों मिला के कितने के बचे, 100 डिग्री के। कैसे, एंगल सम प्रॉपर्टी से, है ना, क्योंकि 180 में से एक 80 का माइनस कर दिया तो क्या रह जाएगा, 100। अब देखिए ए और सी 100 के हैं और दोनों बराबर के भी हैं, तो इसका मतलब दोनों अलग अलग कितने के डिग्री के हो गए, 100 बाय 2 दैट इज इक्वल टू 50 डिग्री। नेक्स्ट देखिए, अर्धवृत्त का कोण एंगल इन ए सेमी सर्कल क्या होता है, राइट एंगल होता है, सो द आंसर इज 2। नेक्स्ट, एक त्रिभुज की भुजाएं ये हैं, इसका परिमाप बताइए। तो परिमाप क्या होता है बेटा, तीनों भुजाओं को सिंपली ऐड कर देते हैं, तो आपको ऐड करना है इन्हें, 96 मीटर, आंसर इज 2। नेक्स्ट देखिए, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कौन होता है, डायमीटर, व्यास। नेक्स्ट, एक चतुर्भुज के कोण इस अनुपात में है, इसका सबसे बड़ा कोण बताइए। तो बेटा हमें पता है कि जब भी हमें अनुपात में कोण दिए होते हैं तो हम क्या मान लेते हैं, पहला कोण 3x, दूसरा 5x, तीसरा 9x और चौथा कोण हो जाएगा 13x। अब आप देख रहे हैं, मैं यहाँ सबको प्लस कर रही हूँ, तो चारों कोणों का योग कितना होता है चतुर्भुज के, 360।
ठीक है, यहाँ हमने रिजल्ट लगा दिया। अब आप इसको ऐड करोगे, 5 + 3 = 8, 9 = 17 और 13 30x हो गए। 30x = 360, दैट मीन्स x = 360/30। इसे सॉल्व करके आपके पास आ जाएगा 12 degree। अब हमें बताना है सबसे बड़ा, लार्जेस्ट एंगल। तो लार्जेस्ट आपको कौन सा लग रहा है इसमें से, 3, 5, 9, 13 में से? 13x, दैट मीन्स 13 × 12, आंसर आ जाएगा 156 degree। एक त्रिभुज की भुजाएं 40, 24 और 32 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल बताइए, एरिया। तो बेटा हम चेक, हमें पता याद होना चाहिए कि 40, 24 और 32 भी एक पाइथागोरस ट्रिपलेट है। इसका मतलब यहाँ हम त्रिभुज के एरिया का कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, बेस इंटू हाइट। क्योंकि आप जब करके देखेंगे तो 40 का स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, 24 का स्क्वायर प्लस 32 का स्क्वायर, यही होता है ना पाइथागोरस के लिए रूल। तो आप इसे चेक करके देखेंगे। अब देखिए बेस कौन सी हो गई, कोई से भी एक भुजा बेस होगी, सबसे बड़ी भुजा नहीं होगी क्योंकि वो कर्ण है, और दूसरी भुजा हाइट हो गई। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, हमारे पास आ जाएगा 384 cm². नेक्स्ट देखिए, एक खंड जिसका किनारा एक्स है, इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व्ड सरफेस एरिया है ना। तो आपको ना ऊपर की रूफ लेनी है ना बेस लेना है, सो चार दीवारों का क्षेत्रफल चाहिए हमें सिर्फ, तो आंसर इज 2। नेक्स्ट, किसी घनाभ में किनारों की कुल संख्या, नंबर ऑफ एजेस, आप अपनी बुक से काउंट कर सकते हैं, 8। नेक्स्ट, एक घनाभ जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी गई है, इसका CSA बताइए, यानी कि अगेन आपको ऊपर और नीचे दोनों चीज़ें छोड़ देनी है, 2lb छोड़ देना है, आंसर इज दिस। नेक्स्ट, एक गोले का आयतन बताइए, तो आपको पता है गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 πr³। नेक्स्ट, मिलान चिन्ह की बारंबारता क्या है, टेलीमार्क्स की फ्रीक्वेंसी क्या शो कर रही है, सो आपको पता है ये दिस इज 5, 5 + 4 = 9। नेक्स्ट, एक निश्चित घटना की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए श्योर इवेंट, जो होना पक्का ही है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 है। डिग्री ऑफ द पॉलीनोमियल, तो डिग्री का क्या होती है, एक्स की हाईएस्ट पावर, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो सबसे बड़ी कौन सी है, 3, आंसर इज दिस। px = x - 5 के शून्यक है, मतलब इसका आंसर क्या होगा बेटा। तो जब भी आपसे ऐसा पूछा जाएगा हम इसको =0 रख देंगे और आंसर हमारा आ जाएगा x = 5। नेक्स्ट देखिए, x + 1 से भाग करने पर शेषफल क्या होगा, व्हाट विल बी द रिमाइंडर बाय डिवाइडिंग दिस पॉलीनोमियल बाय x + 1। देखिए कैसे करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जिससे डिवाइड करना है पहले आप उसको =0 रख देंगे और यहाँ से x की वैल्यू आपके पास आ गई -1। अब जो हमें पॉलीनोमियल दिया हुआ था बेटा उसे आप ध्यान से यहाँ लिखेंगे और इसमें मुझे x की वैल्यू -1 रख देनी है, तो ऐसा करने पर मुझे शेषफल मिल जाएगा। देखिए -1 को हमेशा आप ब्रैकेट में रखेंगे माइनस की टर्म्स को, माइनस, अब -1 को 3 बार मल्टीप्लाई करने पर आपको पता है -1 ही आता है, तो -1 × 3 = -3, ±-1, तो हमें बस तीनों ऐड हो जाएंगे, सेम साइन है, सो इट इज -5। तो आंसर क्या बनेगा, -5। तो बिना भाग के हमने देखा कि रिमाइंडर -5 होगा। नेक्स्ट, x² + 2xy + y² = what, सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ x + y² होल स्क्वायर। नेक्स्ट, 64^1/2 किसके इक्वल है, 64^1/2, तो आपको याद होगा कि 64 = 8² है ना, 1/2 बाहर है ये ऑलरेडी। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या रह गया, सिर्फ
8. आंसर इज डी. नेक्स्ट, 0.6 बार किसके इक्वल है? तो हम बहुत बार करते हैं, इसको x मान लिया 0.6 बार, इसको आप नंबर 1 दे देते हैं. अब क्योंकि सिंपली 1 डिजिट रिपीट हो रहा है, तो आई हैव टू मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10. तो एक डिजिट उठ के इधर आ जाएगा, यहाँ पे 6 बार ही रह गई, इसको हमने दिया नंबर 2. नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2. 10x माइनस 1x, हमारे पास कितने x रह गए? 9x. और जब आप यहाँ पे माइनस करेंगे बेटा इसमें से 0.6 बार, तो सारे डेसिमल के बाद के सब नंबर्स कट गए, हमारे पास रह गया 6 माइनस 0 इक्वल टू 6. दैट मीन्स x इज इक्वल टू 6 अपॉन 9, इट इज इक्वल टू 2/3. POQ एक रेखा है, x का मान बताइए. तो वेरी इजी फॉर यू ऑल, हमें पता है दिस इज अ लीनियर पेयर, तो वी हैव टू ऐड ऑल दीज एंगल्स एंड दिस विल बी इक्वल टू 180. नाउ इट इज 4x प्लस 5x इज 9x, और जो नंबर है वो इसे हम पहले यहाँ जाके माइनस कर देते हैं. तो माइनस करने पे मेरे पास क्या आया? 135. दैट मीन्स x इज इक्वल टू 135 अपॉन 9. तो आंसर आ गया 15 डिग्री. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, OP इज पैरेलल टू RS. OP इज पैरेलल टू RS और OPQ 110 डिग्री आपको दिख रहा है, QRS इज 130, दिस इज आल्सो गिवन. तो हमें बताना है PQR, ठीक है बेटा? तो क्वेश्चन हमारे को क्लियर है. अब हम इसे मार्क कर लेते हैं, ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है. तो मान लीजिए इसको मैंने क्या मान लिया, एक्स मान लिया. तो बेटा इस क्वेश्चन में हम एक कंस्ट्रक्शन करते हैं, बहुत ध्यान रखना है आपको, ये एक नंबर से ज़्यादा कभी आ सकता है क्वेश्चन. तो एक लाइन हम यहाँ पैरेलल ड्रॉ कर रहे हैं, इसका नाम रख देते हैं MN सपोज, ठीक है? तो आपने क्या किया, MN पैरेलल टू OP एंड पैरेलल टू RS, ठीक है? अब देखिए बेटा, ये लाइन और ये लाइन RS इज पैरेलल टू दिस, तो ये एंगल और ये एंगल मिलके क्या बनाएंगे? अंतःकोण. और अंतःकोण कितने डिग्री के होते हैं? 180 डिग्री के. तो इसका मतलब अगर ये 130 का है तो ये कितने का होगा? 50 डिग्री का. तो इसे यहाँ लिख लेते हैं, ये कितना हुआ? 50 डिग्री, ठीक है? इसका एंगल हम का नाम हम क्या लिखेंगे, क्योंकि आर एस पैरेलल टू एम एन, देयरफोर एंगल आर क्यू एन इज इक्वल टू 50 डिग्री. रीजन क्या है? अंतःकोण बना रहा है, ये इंटीरियर एंगल्स, ठीक है? नाउ 110, ये एंगल देखिए किसके इक्वल है, इसका एकांतर अल्टरनेट एंगल किसके इक्वल होगा? जेड, देखिए जेड है ना, ये बन रहा है, ये लाइन भी इसके पैरेलल है. तो ये जो जेड बन रहा है इस तरीके से, इसका मतलब ये 110 जो एंगल है ये पूरा इसके इक्वल है ना, इस लाइन से टच करके नीचे की लाइन तक आना चाहिए, क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल है. तो जो तिर्यक रेखा है उससे टच करता हुआ नीचे की पैरेलल लाइन से जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ट्रांसवर्सल लाइन से लेकर पैरेलल लाइन तक. तो देखिए इसको हम लिख लेते हैं, आल्सो क्योंकि ओपी इज पैरेलल टू एम एन, देयरफोर एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल टू एंगल पी क्यू एन, ठीक है ना? अब पी क्यू एन के भी दो टुकड़े हो रहे हैं, एक्स प्लस 50, और ये हमें 110 डिग्री का दे रखा था. तो इसका मतलब एक्स कितना आ गया? 110 घटा 50 इक्वल टू एक्स, दैट मीन्स एक्स इज इक्वल टू 60 डिग्री. दिस इज योर आंसर. नेक्स्ट, अंडर रूट 343 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 7 इज
रैशनल इरेशनल या दोनों या कुछ भी नहीं। तो हम पहले बेटा इसे सॉल्व करते हैं। देखिए 343 एक ऐसा नंबर है जो सिर्फ 7 के टेबल से ही डिवाइड होता है। तो जब आप इसे 7 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 49। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, अंडर रूट 49, और वो आपको सॉल्व करके क्या मिलता है, 7। अब बताइए 7 क्या है, इट इज़ अ रैशनल नंबर, है ना। नाउ नेक्स्ट इज एक्स अक्ष का समीकरण क्या है, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। तो हम पहले अपना ग्राफ थोड़ा सा बना लेते हैं। दिस इज आवर एक्स एक्सिस एंड ये वाई एक्सिस। अब देखिए बेटा यहाँ पे इस पॉइंट को आप क्या बोलते हो, 1 0 2 0 एंड सो ऑन। तो क्या देखते हैं हम इसमें सिमिलैरिटी, कि हमेशा वाई इक्वल टू जीरो होता है ना एक्स एक्सिस पर, और यही इसकी इक्वेशन है। सो का आंसर इज बी। और ऐसे ही अगर हमसे वाई एक्सिस की पूछता तो उस पर क्या होती इक्वेशन, एक्स इक्वल टू जीरो। तो आई होप बेटा आप इनकी खूब प्रैक्टिस करेंगे, अपने कंसेप्ट सारे क्लियर करेंगे। ऑल द बेस्ट, स्टे ब्लेस्ड।